सरोवर नगरी नैनीताल में मौसम का मिजाज बदलने और बारिश के बाद भी पर्यटकों की संख्या में इजाफा बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक ओर जिलाधिकारी ने कोविड गाइडलाइन का पालन किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, फिर भी नैनीताल में पर्यटकों की भरमार है। बता दें कि सरोवर नगरी में आज सुबह से ही बारिश के साथ दौर जारी था, फिर भी पर्यटकों ने छाता लेकर पर्यटक स्थलों को भरपूर फायदा उठाया। ये हमारे जो है जिलाधिकारी महोदय और SSP महोदय के निर्देशन में जो लोग RT-PCR कराकर आ रहे हैं उन्हीं उनका एंट्रेंस हो रहा है नैनीताल में। इसके अलावा बिना RT-PCR के अलावा किसी का काउंटर नहीं है। दूसरा जो है जो मोटरसाइकिल वाले हैं, पहले हम लोग उनकी चेकिंग नहीं करते थे कि RT-PCR है या नहीं है, हमने उनकी भी चेकिंग करनी शुरू कर दी कि मोटरसाइकिल वाले बिना RT-PCR कह रहे हैं उन्हें वापस कर देते हैं। इसके अलावा जो है जिन होटलों की पार्किंग नहीं है, क्योंकि हमारी सारी पार्किंग लोकल की सारी पार्किंग भरी हुई है और जिन होटलों की पार्किंग नहीं है उनकी जो बुकिंग देख कर हम लोग RT-PCR और बुकिंग देख कर नारायण नगर में और रूसी बाईपास पर हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था करवा रखी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सैनानी छाता को लेकर बारिश का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे नहीं तो कोई कोरोना नियम की धज्जियाँ उड़ती साफ दिख रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कोरोना नियम की गाइडलाइन का बिल्कुल लोग यहाँ पालन नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में मौसम का बदलते मौसम के मिजाज का लोग मुफ्त उठा रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में मौसम का मिजाज बदलने और बारिश के बाद भी पर्यटक की संख्या में इजाफा बढ़ता जा रहा है। जहां एक और जिलाधिकारी ने कोविड गाइडलाइन का पालन किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग छाता लेकर घूम रहे हैं और बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग की साफ धज्जियां उड़ा रहे हैं।